न्यूज़ फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। अभी सर कटिहार जा रहे हैं हम लोग। कैसे जाएगा कटिहार सर? बोलते लड़ते हुए ऐसे जाएंगे, पैदल जाइएगा। क्या करें सर, गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कटिहार कटिहार पैदल जाइएगा। कितना टाइम लगेगा जाने में? पता नहीं सर, लगभग 2-3 दिन लग ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सरकार की तरफ से तमाम जो कवायद है वो जारी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन देखिए सड़कों पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन 2 है इंडिया लॉकडाउन का, लेकिन देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं पैदल सड़कों पे चल रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं क्या हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? IGM से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कटिहार जा रहे हैं। कैसे जाइएगा कटिहार? सर बोलते लड़ते हुए ऐसे जाएंगे, पैदल जाइएगा। क्या करें सर, गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो IGMS में किस लिए आए थे? यहाँ काम करते हैं सर। अच्छा, यहाँ काम करते हैं, क्या चीज़ का? ये लेबर मिस्त्री का। सब लोग? जी सर। आप कहाँ रहते हैं? कैसे जाइएगा घर? कटिहार पैदल जाइएगा। आप कहाँ से जा रहे हैं? कैसे जाइएगा? पैदल चला जाइएगा। कितना टाइम लगेगा जाने में? पता नहीं सर, लगभग 2-3 दिन लग ही जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ रहते थे आप लोग? हॉस्पिटल में रहते थे, काम बंद हो गया। तो क्या बोले कि घर चले जाइए? नहीं, वो खाना पाना वो सब साहब सब भाग गया, फ्लाइट पकड़ टिकट कटा के सब चला गया अपना घर का। अच्छा, मतलब आपके जो साहब लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे आपके, वो लोग भाग गए? सब चला गया। आप लोग को छोड़ के? छोड़ के। और बोले कि अपना घर जाओ? अपना घर जाओ, जैसे वो कहो उसे करो। तो पीने का कुछ ही समस्या नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? मीठापुर सर। किस लिए? किराना दुकान है, किराने सामान लाने। ठीक है जी। देखिए तो बिल्कुल एक चीज़ जो है वो साफ है, जो तमाम मजदूर हैं उनको काफ़ी समस्या हो गई है। आप लोग मजदूर हैं? अच्छा, डॉक्टर के हैं सर। ठीक है जाइए। देखिए, जो तमाम लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं उन्हें काफ़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जो तमाम लॉकडाउन के बाद गाड़ियां जो हैं वो नहीं चल रही, जो बसेस हैं वो सड़कों पर नहीं चल रहे, जो तमाम गाड़ियां हैं ऑटो हो रिक्शा हो वो सभी नहीं चल रही है। और लगातार लोगों से अपील यही की जा रही है कि आप सड़कों पर इकट्ठा ना हों, भीड़ एकत्रित ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो भीड़ इकट्ठा करने से होता है। लेकिन उन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो मजदूर हैं जो जाने की कोशिश कर रहे हैं कटिहार, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो फ़िलहाल फरार हो गए हैं, वो उन्हें छोड़कर गायब हो गए हैं और इन्हें जाना है कटिहार, तो जाएँ कैसे, तो एक बड़ा समस्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि कल भी बस स्टैंड पर रात को काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे थे, उन्हें कहीं जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए। कारण ये था कि कोई साधन नहीं थी। सवाल ये है मजदूरों के लिए, वैसे मजदूरों के लिए जो कहीं काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है उसमें काम कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में, काम जो है वो ठप हो चुका है, तो वो क्या करें, कैसे घर जाएं, कोई साधन नहीं उनके पास। जैसा कि अभी हमने बात की कुछ जो लेबर थे उनसे, उन्होंने बताया कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास लोग हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे वो चले गए, हमें छोड़ गए, कुछ बताया नहीं उन्होंने, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम मर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने घर लौट जाएं। तो हमने पूछा कि आप घर कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि घर उनका कटिहार है, वो पैदल जाएंगे। तो अब कटिहार यहाँ से काफ़ी दूर है, हालाँकि है बिहार में लेकिन काफ़ी दूर है, तो कितना समय लगेगा उन्हें जाने में ये उन्होंने बताया कि हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 1 या 2 दिन लग जाए, सवाल ये है कि वो घर जाएंगे कैसे। एक और सरकार हर तैयारी कर रही है, हर संभव मदद कर रही है हर लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो छूट रही है, जैसे ये जो हमारे मजदूर हैं जो काम करते हैं वो अपने घरों तक कैसे जाएंगे। आज सुबह हमने एक आपको खबर दिखाई थी कि कुछ लोग हैं मोतिहारी के रहने वाले हैं, कहीं और के बिहार के रहने वाले हैं, वो राजस्थान से, जयपुर से, कहां कहां से, रिक्शा से, साइकिल से वो बिहार के लिए निकले हैं, तो उनको आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। फ़िलहाल न्यूज़ फॉर नेशन मैं अभी के लिए इतना ही, अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।